हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको शेयर करने वाला हूँ एक कविता। अपने ड्रीम के बारे में, मैं शिक्षक क्यों बनना चाहता हूँ और क्या कठिनाइयाँ हैं। और ये मेरी डायरी है, मैं भी डायरी नंबर 4th 5th आई फॉरगॉट द काउंट, दैट डजंट मैटर बिकॉज आई रेयरली ओपन माई ओल्ड डायरीज। एवरी डायरी इज़ वेरी पेनफुल, तो ये डायरी भी मैं कम ही ओपन करता हूँ। जब भी लिखना होता मैं लिख देता हूँ और चीज़ों को पढ़ता नहीं दोबारा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ पढ़ा रहता है सब। ओके, तो ये मेरी कविता है इस साइड, इसको मैं आपको सुनाने वाला हूँ। आपको इमेज डाल दूँगा, अच्छे से आप पढ़ लेना। तो ठीक है, सुनाता हूँ आपको मैं अपनी कविता। एक कविता लिखा था मैं 14th June 2022। ओके, तो अभी सिचुएशन ये है कि मैं पोस्ट डॉक्टर हूँ, PhD कंप्लीट हो गया, काफ़ी अच्छे से हुआ, बस ईश्वर की मेहरबानी थी जो मैं निपटा दिया। तो कविता है, थक गया हूँ मैं अब अच्छा नहीं लगता जो मैं करता हूँ। थक गया हूँ मैं अब अच्छा नहीं लगता जो मैं करता हूँ। एक जंग जीत कर मैं हार महसूस करने लगा, एक जंग जीत कर मैं हार महसूस करने लगा, और जंग देख कर मैं रुकना चाहता हूँ, मैं रुकना चाहता हूँ। अब नहीं चाहिए मुझको जीत, मैं रुकना चाहता हूँ। मैं पुराना घोड़ा हूँ, बहुत लड़ चुका वक्त के मैदान में, बहुत लड़ चुका वक्त के मैदान में। मैं लौटना चाहता हूँ, मैं लौटना चाहता हूँ, और इतना ही बोलकर हर बार चुप हो जाता हूँ। लौटूँ तो कैसे और लौटूँ तो कहाँ, और उसका क्या जो इतना दूर आया हूँ, और उसका क्या जो इतना दूर आया हूँ। चुप हूँ मजबूर हूँ मैं लौटता हूँ, चुप हूँ मजबूर हूँ मैं लौटता हूँ। ऐ मंजिल तुम जो भी हो सकती थी, ऐ मंजिल तुम जो भी हो सकती थी, अब माफ़ करना मैं लौटता हूँ। एक अदना सा ख्वाब बुलाता है, मैं लौटता हूँ, एक अदना सा ख्वाब मुझे बुलाता है। मैं उसका हूँ या नहीं मैं नहीं जानता, पर वो मुझे बुलाता है। मैं लौट रहा हूँ एक शिक्षक बनने, मैं लौट रहा हूँ एक शिक्षक बनने। क्या बात है भाई, बताओ, इतना कुछ हासिल करने के बाद लौट रहा हूँ मैं। एक जंग जीत कर मैं हार महसूस करने लगा, और जंग देख कर। ओके गाइस, तो टीचिंग की दुनिया में मैं आ रहा हूँ, बहुत ही जल्द अच्छे से। बाय।